दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ हुए मंथन के बाद हिमाचल कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिमला लौट आई हैं। शिमला में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसको लेकर आलाकमान को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे मंडी से चुनाव लड़ सके। संगठन में नाराजगी है और पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, कार्यकर्ता अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे कोई भी वर्कर सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करे, इसलिए मैंने बार बार ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाए, तभी हम सशक्त हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे जो हालात दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सफलता हासिल कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगी, जो भी उम्मीदवार हैं हम उनके लिए मेहनत करेंगे और सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज हिमाचल। डिस्कस हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने कुछ कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे उस पर उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो फील्ड में चारों तरफ से आवाज़ आएगी सर्वे के मुताबिक, जिसका नाम सर्वप्रिय आएगा, मतलब सबसे नंबर वन पे आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ टाइम दो, अभी हमारा इलेक्शन लास्ट फेज में है, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा इस पे मंथन कर ले फिर टिकट डिसाइड करेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही, और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा, और हम आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है, लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारें फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी, सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊँगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जाऊँगी और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य विधानसभा पहुँचाएंगे। तैयारी लगती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी कोई आपका टिकट घोषित नहीं हुआ है, उस तरह से तैयार भी नहीं है कांग्रेस। देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराज़गी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें, क्योंकि हमको ये सरकार को बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने पड़ेंगे और
रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनको जिताएं और अपना बहुमत साबित करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो 1500 की गारंटी दी थी उसको जिस तरह से पूरा किया गया है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अभी नहीं, ये तो हमने बहुत पहले आचार संहिता लगने से पहले माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए थे, वहाँ पर इन्होंने इसकी घोषणा की है और हमने कहा कि अभी तो 4 साल का समय हमारे पास है, हम धीरे धीरे उसको और क्षेत्र में भी देंगे और जो जो भी हमारी महिलाओं को हमारा प्रॉमिस है उसको हम फुलफिल करेंगे।